टॉप 5 बेस्ट फोन अराउंड 16,000 रुपीस। जी हाँ दोस्तों, आप कोई नया स्मार्टफोन परचेस करने का मन बना रहे या फिर आप अपने स्मार्टफोन को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लेकर आ चुका हूँ अलग अलग कैटेगरी के 5 स्मार्टफोन। और हाँ दोस्तों, आखिर में हम ये भी जानेंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके लिए कौन सा परफेक्ट रहेगा, तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज़ हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फिर दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन यूजर्स की जिन्हें स्टॉक यूआई के साथ में एक अच्छा सा फ्यूचरिस्टिक 5G फोन लेना है। सो आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, मोटो का G62। ये जो फोन है ये आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी काफी स्ट्रांग दी गई है और साथ ही साथ हल्के फुल्के वाटर प्रोटेक्शन के साथ में आता है। रही बात स्मार्टफोन के डिस्प्ले की, तो फोन के अंदर आपको मिलती है 6.5 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली आईपीएस एलसीडी पैनल, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है और 600 नीट्स की आपको यहाँ पर ब्राइटनेस भी दी गई है। साथ ही 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट मिल जाती है। सो बजट के अकॉर्डिंग डिस्प्ले आपको यहाँ पर बहुत अच्छी मिलती है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 3 कैमरास मिलेंगे, जहाँ पर मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 का मैक्रो और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर दिया गया है। कैमरा सेटअप फोन के यहाँ पर अच्छे हैं, डे लाइट में फोटोज भी काफी अच्छी आ जाती हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर काफी सारे डिफरेंट मोड्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। वीडियो आउटपुट की बात करें तो बैक कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अप टू 60 FPS और फ्रंट से आपको यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा अप टू 30 FPS। चलिए परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6 NM बेस क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का 5G चिपसेट। वैसे दोस्तों, ये इस बजट के अंदर आने वाला एक वन ऑफ द बेस्ट चिपसेट है, जो कि आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। और दोस्तों, ये फोन लगभग 4 लाख के आसपास अंततः स्कोर भी कर जाता है। साथ ही साथ LPDDR4X रैम और UFS 2.2 वाला आपको यहाँ पर स्टोरेज भी दिया गया है। सो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है। पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी और 20W की चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई है। वहीं पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात कर लें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर जिसकी ऑडियो क्वालिटी काफी क्रिस्प और लाउड है, साथ ही साथ हाइब्रिड स्लॉट मिलेगा। और दोस्तों, ये फोन आता है एंड्रॉइड 12 पर, लेकिन बहुत ही जल्द एंड्रॉइड 13 का अपडेट आपको इस फोन के अंदर मिलने वाला है। सो ओवरऑल फोन काफी अच्छा है, अप टू 12 5G बैंड के साथ में भी आता है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 6GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए आपको देंगे 15,999 रुपए। बात करते हैं उन यूजर्स की जिन्हें दोस्तों यहाँ पर अच्छे कैमरास, अच्छा खासा लुक और तो और एक अच्छी परफॉर्मेंस वाला फोन लेना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वीवो का T1 5G। दोस्तों, तो ये फोन आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, बट डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी दोनों ही फोन के यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर आपको मिलती है 6.58 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली आईपीएस एलसीडी पैनल, पैंडा ग्लास का सपोर्ट आपको मिल जाता है, साथ ही 550 नीट्स की ब्राइटनेस, 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट मिलती है। तो डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर आपको काफी अच्छी दी गई है, हालांकि वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में आती है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरास मिल जाते हैं, जहाँ पर मेन कैमरा लगा हुआ 50 मेगापिक्सल का, 2 का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 16 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी स्नैपर मिलता है। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर डिसेंट है, लेकिन आउटपुट बहुत ही कमाल के निकल कर आते हैं। वैसे दोस्तों, यहाँ पर आपको काफी डिफरेंट मोड्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर नाइट मोड जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अप टू 30 FPS। चलिए परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6 NM बेस क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का चिपसेट। साथ ही साथ फोन के अंदर आपको यहाँ पर लिक्विड कूलिंग चैम्बर भी दिया गया और ये स्मार्टफोन अंततः पर लगभग 4.5 लाख के आसपास स्कोर करता है, जो कि बहुत अच्छे स्कोर है। साथ ही LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी लगा हुआ है, तो परफॉर्मेंस और गेमिंग दोनों में ही आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, 18W की चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिलती है। वहीं पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात कर लें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स और हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन आपको मिल जाता है। वैसे ये फोन पर आपको मिलता है फनटच OS 12। भाई सॉफ्टवेयर भी काफी अच्छा है, काफी अच्छे फीचर्स वगैरह के साथ में आता है, तो यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको बता दूं कि ये स्मार्टफोन सिर्फ 2 ही 5G बैंड को सपोर्ट करता है, लेकिन ओवरऑल फोन काफी अच्छा है, तो आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। 4GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 15,990 रुपए, बट बैंक ऑफर्स के साथ में ये फोन अंडर 15,000 रुपीज की प्राइस पर आपको मिल जाता है। और चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले फोन की तरफ और अगला स्मार्टफोन यहाँ पर इन्फिनिक्स का नोट 12 प्रो 4G। जी हाँ दोस्तों, लगभग ऑलराउंडर टाइप का फोन है। बात करें इस फोन की तो ये फोन आपको प्लास्टिक बिल्ड पर ही मिलता है, बट दोस्तों बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन फोन का ऑसम दिया गया है। डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर आपको 6.7 इंचेस की एक बड़ी सी फुल एचडी प्लस वाली एमोलेड पैनल मिल जाती है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन, 1000 नीट्स की ब्राइटनेस, 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, लेकिन 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट का सपोर्ट दिया गया है। सो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर अच्छी दी गई है। कैमरास की बात करें
बैक साइड में आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरास मिलते हैं। मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का दिया गया है, साथ ही में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा है, डे लाइट में फोटोज़ बहुत ही कमाल की निकल कर आती हैं। वैसे दोस्तों लो लाइट में भी आपको यहाँ पर डिसेंट फोटोज़ मिल जाती हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर 2K रिजोल्यूशन तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकेंगे अप टू 30 FPS, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। चलिए परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6 NM बेस, मीडियाटेक का डायमेंसिटी 810 का चिपसेट। और दोस्तों ये स्मार्टफोन भी ऑनतुत पर लगभग 3.5 लाख के आसपास स्कोर करता है। सो परफॉर्मेंस और गेमिंग में आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आती है। वैसे इस फोन के अंदर भी आपको LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज दिया गया है। साथ ही साथ ये फोन आता है एंड्रॉइड 12 पर, जहाँ पर आपको मिलता है XOS 10.6। पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी, 33W की चार्जिंग का सपोर्ट, चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी मिल जाती है। कुछ अदर फीचर्स की बात कर लें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स, ट्रिपल गार्ड का ऑप्शन। और दोस्तों ये स्मार्टफोन अप टू 13 5G बैंड को सपोर्ट करता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो एक फ्यूचरिस्टिक ऑलराउंडर टाइप का फोन है, आप चाहे तो इसे चेकआउट कर सकते हैं। बात की जाए प्राइसिंग की तो 8GB की रैम प्लस 5GB की डायनेमिक रैम, यानी कि दोस्तों 13GB की रैम और 128GB की स्टोरेज आपको मिल जाएगी, और इसके लिए देने होंगे आपको 16,999 रुपये। चलिए बढ़ते हैं अगले फोन की तरफ। और दोस्तों अगला स्मार्टफोन एक नॉन चाइनीज फोन है, जो कि आपको अच्छे कैमरा, अच्छी परफॉर्मेंस और तौर ट्रू 5G भी मिलता है। ये फोन है यहाँ पर सैमसंग का गैलेक्सी M33 5G। स्मार्टफोन पूरी तरह से आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिल जाता है, बट बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन काफी अच्छे दिए गए हैं। वैसे दोस्तों डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.6 इंचेस की एक फुल HD+ वाली PLS LCD पैनल। जी हाँ दोस्तों, IPS से थोड़ी सी डाउनग्रेड है। साथ ही साथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, 800 nits की पीक ब्राइटनेस, 120Hz की हाई रिफ्रेश रेट और 240Hz की टच सैम्पलिंग रेट। तो डिस्प्ले क्वालिटी बजट के हिसाब से आपको यहाँ पर ठीक मिलती है, लेकिन कलर्स वगैरह आपको यहाँ पर काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें कैमरास की तो बैक साइड में आपको यहाँ पर मिलते हैं क्वाड कैमरा, जहाँ पर मेन कैमरा लगा 50 MP का, 5 MP का अल्ट्रा वाइड, 2 का मैक्रो, 2 MP का डेप्थ और 8 MP का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा दिया गया है और आउटपुट भी दोस्तों यहाँ पर काफी कमाल के निकल कर आते हैं। डे लाइट में तो अच्छी फोटोज आती हैं, लो लाइट में भी आप यहाँ पर डिसेंट फोटोज निकाल सकते हैं। वैसे अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर काफी डिफरेंट मोड्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें तो बैक कैमरा से आप यहाँ पर अल्ट्रा HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 FPS, और फ्रंट से आपको यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा अप टू 30 FPS। तो चलिए अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। दोस्तों तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 5 NM बेस, Exynos का 1280 का चिपसेट, जो कि दोस्तों एक डिसेंट सा चिपसेट है, ये गेमिंग के लिए बना हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी ये स्मार्टफोन अंततः पर लगभग यहाँ पर 4 लाख के आसपास स्कोर करता है। सो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर अच्छी निकाल कर देता है। इन सभी के अलावा LPDDR4X रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी आपको दिया गया है। सो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आती। पावर हाउस की बात करें गाइस तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5 mAh की बैटरी मिलती है, 25W की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, बट बॉक्स के अंदर आपको कोई एडेप्टर नहीं दिया गया, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है। वहीं पर कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन। और दोस्तों ये फोन आता है एंड्रॉइड 12 पर, जहां पर आपको एंड्रॉइड 13 का अपडेट भी बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। वैसे गाइस ये स्मार्टफोन अप टू 12 5G बैंड को सपोर्ट करता है, तो ये काफी अच्छी बात है। बात कर ले प्राइसिंग की तो 6 और 128 के लिए आपको देने होंगे 16,999 रुपये, पर दोस्तों बैंक ऑफर्स के साथ में ये फोन अराउंड 15,000 रुपीज़ की प्राइस पर आपको इजीली मिल जाएगा। और दोस्तों लिस्ट का जो आखिरी फोन है, ये फोन है यहाँ पर पोको का X4 Pro। फोन पूरी तरह से आपको ग्लास बिल्ड पर मिलता है, फ्रंट और बैक दोनों ही साइड आपको यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी काफी स्ट्रॉन्ग है और डिजाइन भी आपको यहाँ पर काफी अच्छा दिया गया। वैसे डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर आपको मिलती है 6.67 इंचेस की फुल HD+ वाली सुपर एमोलेड पैनल, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, 1200 nits की ब्राइटनेस, 120Hz की हाई रिफ्रेश रेट, 360Hz की टच सैम्पलिंग रेट का सपोर्ट दिया गया है, तो इसके अंदर बहुत अच्छी दी गई है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 3 कैमरास मिलते हैं, जहाँ पर मेन कैमरा 64 MP का है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड, 2 MP का मैक्रो और 16 MP का सेल्फी स्नैपर दिया गया है। कैमरा सेटअप फोन का अच्छा है, डे लाइट में फोटोज भी काफी अच्छी आती हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें तो बैक और फ्रंट दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते अप टू 30 FPS। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस स्मार्टफोन के अंदर भी आपको मिलता है 6 NM बेस, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का चिपसेट। और दोस्तों यहां पर भी आपको लिक्विड कूलिंग चैम्बर देखने को मिल जाता है, परफॉर्मेंस आपको काफी कमाल की निकाल कर देता है। ये स्मार्टफोन भी अंततः पर लगभग 4 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है, साथ ही साथ LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी आपको यहाँ पर दिया गया है। सो इस बजट के अंदर आपको परफॉर्मेंस वाइज कोई दिक्कत नहीं आती है। पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी मिलती है और 67W की हाइपर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई है और चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है। वहीं पर एक्स्ट्रा फीचर्स की बात कर लें तो दोस्तों यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर और हाइब्रिड गार्ड का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिलेगा। वैसे दोस्तों ये फोन आता है एंड्रॉइड 11 पर, लेकिन बहुत ही जल्द एंड्रॉइड 12 का अपडेट यहाँ पर भी आपको मिलने वाला है। सो देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये स्मार्टफोन एक ऑलराउंडर फोन है, अप टू 7 5G बैंड को सपोर्ट करता है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप इस फोन की तरफ भी देख सकते हैं।
बात करें प्राइसिंग की तो 6 और 64 के लिए इस समय आपको सिर्फ और सिर्फ 14,999 रुपए पे करने पड़ेंगे। और भाई इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से डेफिनेटली अनबीटेबल फोन है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आपको कौन से फोन की तरफ देखना चाहिए। गाइज अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस और अच्छे कैमराज ढूंढ रहे हैं तो वीवो का T1 5G, सैमसंग गैलेक्सी M33 5G और तो और पोको का X4 Pro ये तीनों ही आपके लिए काफी कमाल के हैं। लेकिन अगर आपको स्टॉक UI, अच्छी परफॉर्मेंस और नेचुरल कलर्स पसंद है तो आप यहाँ पर मोटो के G62 को भी कंसिडर कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप यहाँ पर इन्फिनिक्स के फैन हैं, आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा और साथ ही साथ अच्छी परफॉर्मेंस वगैरह चाहिए तो आप यहाँ पर नोट 12 प्रो 5G को भी कंसिडर कर सकते हैं। सो फाइनली गाइज ये थे वो स्मार्टफोन जो कि आपको मिल जाते हैं लगभग 16,000 रुपीज़ की प्राइस पर, और सभी के बेस्ट फाइलिंग्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे तो आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। उम्मीद है आप सभी को आज की वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।